गोलघर स्थित प्रधान डाकघर में मंगलवार को स्कूली बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन फ्लैटली समर कैंप का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन, मनोरंजन एवं अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए डाक विभाग द्वारा विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं जैसे पत्र लेखन, फ्लैटली क्विज जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ प्रतिभागियों के सफल होने पर उनको प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर डाक टिकटों की प्रदर्शनी के साथ साथ कैंप में प्रदर्शनी पत्र लेखन क्विज का आयोजन किया गया। घर के इस आयोजन पर बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रवर अधीक्षक डाकघर एस एन दुबे ने कहा, एसएसपीओ गोरखपुर श्री एस एन दुबे जी पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर का सही है। फ्लैटली का मतलब होता है डाक टिकटों का संग्रह। मैसेंजर सुने हुए दूत आपने राजा के स्पेशल दूत होते थे, जो केवल उनकी जो है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा महसूस किया कि केवल राजा ही इस सुविधा का लाभ, इन्होंने राजा को सुझाव दिया कि कुछ ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें राजा के साथ साथ हर वर्ग के लोग अपनी सूचनाओं को एक दूसरे लोगों को संदेश भेजना होता था, डाकखाने जाता था, अपनी बातों को लिख करके पोस्ट ऑफिस के पास दे देता था। जिसको पत्र प्राप्त होता था वह उसका शुल्क देता था। कई बार ऐसा देखा गया जब पत्र तो मिल गया तुरंत वही पत्र जो है बिना पढ़े हुए बिना खोले हुए उसे वापस कर दिया गया। ऐसा करने में राजस्व की काफी हानि होती थी। कहीं बाहर रहता था और अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए या अपने बारे में जो है यह व्यवस्था ट्रायल के रूप में शुरू हुआ, काफी जो है अच्छा उसका रिस्पांस मिला और कालांतर में जो है 6 मई 1840 को इंग्लैंड में सबसे पहला विश्व का सबसे पहला टिकट पेनी ब्लैक का जन्म हुआ। अब अच्छे खासे जो है पैसों के भी मालिक होते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं बताऊँ जो है जो केवल वर्ल्ड में एक है जिसका नाम है ब्रिटिश गुआन, आज के डेट में जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए से भी जाती है। ये 18-19 दो दिन डिसाइड किया गया है समर कैंप फ्लैटली का, ये स्टार्ट होना हमारे यहाँ। इसमें बच्चों को फ्लैटली के संबंध में विस्तार से बताया जाएगा। हमारे जो ये रमन कुमार मंडल जी यहाँ के फ्लैटलिस्ट हैं मुख्य, ये सारी जानकारी देंगे। और कल जो है 19 तारीख को डाक विभाग के बारे में काउंटर पर किन किन काउंटर पर क्या कार्य होता है वो बच्चों को बताया जाएगा। इसके साथ साथ कैसे एड्रेस लिखा जाता है, कैसे क्या, मतलब सारी जानकारियाँ उनको कल विधुत बताई जाएंगी। इसमें कितनी उम्र तक के बच्चे भाग लेंगे? इसमें वैसे तो जो बेसिक है मतलब जो 6th क्लास पढ़ रहे हैं 6 से 9 तक का इसमें लिया गया है। और उन्हीं बच्चों को चूँकि इगनलेस आवश्यकता उन्हीं होती है ज़्यादा सीखने की, इसलिए उनको जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के अभी निमंत्रित किया। आयोजन का उद्देश्य ये है कि इस फ्लैटली का प्रचार प्रसार हो, लोगों को जानकारी हो माई स्टैम्प क्या है उसके बारे में उनको जानकारी हो। माई स्टैम्प मतलब कि उसका स्टैम्प खुद छप जाएगा और टिकट लग जाएगा, अपने स्टैम्प से किसी को भेज सकता है या उसका कलेक्शन भी कर सकता है रख सकता है। इस संबंध में बता दें फ्लैटली जो है ये टिकटों का संग्रह है, हॉबी होती है। तो जो टिकट इकट्ठा करना चाहते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं और जितना पुराना टिकट होता है उस पर जो है जो प्रदर्शनी लगती है हम लोगों की तो उस पर इनाम मिलता है, उसकी कास्ट होती है। बता अभी बता रहे कि एक टिकट का दाम जो है 15 करोड़ है इसमें, तो उनको जो कलेक्शन करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, अगर सेल करेंगे उनको 15 करोड़ मिल जाएगा।